नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमावत आज फिर से एक और पॉजिटिव सोच की कहानी के साथ। दोस्तों, सपने हम सभी देखते हैं और देखने भी चाहिए। ये दो तरह के सपने होते हैं, एक वो जो हमें नींद में आता है, दूसरा वो जो हमें नींद नहीं आने देता है। दोस्तों, आज की कहानी के किरदार भी कुछ ऐसे ही है। नाम है हर्षवर्धन लेखिया। आइए जानते हैं एक और पॉजिटिव सोच की कहानी के बारे में। बात कुछ यूं है कि मन की मजबूती से सपने पूरे होते हैं। हर्षवर्धन नेवटिया भारत के सबसे कम उम्र के व्यवसायी, जिन्हें सन 1999 में मात्र 36 वर्ष की आयु में सामाजिक आवास में उत्कृष्ट पहल के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हर्षवर्धन का प्रसिद्ध मारवाड़ी परिवार लगभग 125 वर्षों से कोलकाता के व्यावसायिक दृश्य का अभिन्न हिस्सा है। उनके पिता स्वर्गीय विनोद नेवटिया और चाचा स्वर्गीय सुरेश नेवटिया सीमेंट उद्योग में प्रसिद्ध नाम हैं। उनके पिता चाहते थे कि हर्षवर्धन परिवार के सीमेंट उद्योग में शामिल हो, लेकिन हर्षवर्धन कभी भी ऐसा नहीं करना चाहते थे। रचनात्मक प्रवृत्ति के लोग बहुत जिज्ञासु, सोच में लचीलापन लिए हुए, यानी जो चीज अच्छी लगेगी उसे स्वीकार करने वाले होते हैं। स्वतंत्र स्वभाव के होने के साथ ही नए कार्यों को करने का हौसला रखते हैं। जब उनके पिता के एक दोस्त के लिए एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने का अवसर मिला तो उन्हें लगा जैसे उनकी राह उन्हें मिल गई। यही तो वो करना चाहते थे। उनकी लगन और दूरदर्शिता ने उनका सहयोग किया और अब वह नव प्रतिष्ठित अंबुजा नेवटिया ग्रुप, जिसे पहले गुजरात अंबुजा के नाम से जाना जाता था, के अध्यक्ष हैं और 2000 करोड़ रुपए का रियल एस्टेट साम्राज्य चलाते हैं। उन्होंने बहुत से कार्यालय, घर, मॉल, 5 सितारा होटल, रिजॉर्ट्स, अस्पताल, स्कूल और मिनी टाउनशिप भी बनाए हैं। इसके अलावा उन्होंने आतिथ्य यानी हॉस्पिटैलिटी, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ प्रीमियम परियोजनाएं भी बनाई हैं। हर्षवर्धन का कहना है कि एक अच्छी वास्तुकला से बनाई गई सार्वजनिक इमारत एक मील का पत्थर बन जाती है। लोग उस जगह को उस इमारत के कारण जानने लगते हैं। अचल संपत्ति के प्रति अपने जुनून के अलावा श्री नेवटिया प्रदर्शन कला और दृश्य कला दोनों के प्रचार में शामिल हैं। वे वाराणसी के ज्ञान प्रचार नाम के प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान से जुड़े हुए हैं, जो कि संस्कृति और ज्ञान केंद्र है। वहां कला और साहित्य पर भारतीय प्राचीन और अमूल्य पुस्तकों का दुर्लभ कला संग्रह है। उनकी धर्मशास्त्र, प्राचीन ग्रंथों, जीवनी कला और वास्तुकला में भी बहुत गहरी रुचि है। वे समाज के वंचित वर्गों के लाभ के लिए भी विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से शामिल रहते हैं। हर्षवर्धन नेवटिया ने कोलकाता में भागीरथी नेवटिया विमन एंड चाइल्ड केयर सेंटर की स्थापना की, जो कि महिला व बाल स्वास्थ्य के कार्यक्रमों की संस्था है। इस कहानी से जो सीख मिलती है वो ये है कि कड़ी मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। आपका कमेंट, आपके लाइक मुझे और मेरी टीम को बहुत मोटिवेट करते हैं। आपके पास भी इस तरह की कोई कहानी है आपके आसपास में तो हमें जरूर उस कहानी के बारे में बताएं, ताकि हम उस कहानी को लोगों तक पहुंचा सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।